हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। आईपीएल का मेगा ऑक्शन दिसंबर 2024 में होना है, लेकिन उससे पहले काफी कुछ खबरें निकल कर आ रही है। आईपीएल मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमें बदल जाएगी। कई टीमों के कोच बदलने वाले हैं तो कई टीमों के कप्तान बदल जाएंगे। कोच के लिए केकेआर में जगह खाली है। गौतम गंभीर के टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद केकेआर अपना नया कोच देख रहा है। वही राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया से हेड कोच का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो भी आईपीएल में कोचिंग के लिए अवेलेबल है। वही रिकी पोंटिंग ने भी दिल्ली कैपिटल्स से अलविदा कह दिया है। आइए बात करते हैं आईपीएल की छह बड़ी खबरों के बारे में। गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस को छोड़ रहे हैं और उनकी जगह वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी चीटी का कोच बनने जा रहे हैं। चीटी के हेड कोच आशीष नेहरा और चीटी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी दोनों ही चीटी को छोड़ रहे हैं। इन दोनों ने ही चीटी को 2022 में ज्वाइन किया था। तीनों ही सीजन में नेहरा काफी एक्टिव दिखाई दिए। नेहरा की कोचिंग में एक बार चीटी चैंपियन टीम बनी, वहीं दूसरी बार चीटी फाइनल तक पहुंची। टाइटंस से हार्दिक पांड्या पहले ही निकल चुके हैं, जिसकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था। अब आशीष नेहरा की जगह शुभमन गिल के गुरु माने जाने वाले और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले युवराज सिंह गुजरात टाइटंस के हेड कोच बन सकते हैं। चीटी के नजदीकी सूत्रों की माने तो गुजरात टाइटंस मैनेजमेंट युवराज सिंह से बातचीत कर रही है। युवराज सिंह गुजरात टाइटंस के नए कोच बन सकते हैं। युवराज सिंह ने रिटायरमेंट के बाद किसी भी टीम को कोचिंग नहीं किया है। उनकी रिटायरमेंट के बाद पहली बार आईपीएल में वापसी होगी। दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर भी गुजरात टाइटंस से जुड़ी हुई है। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की टीम को गौतम अदाणी खरीद सकते हैं। अभी गुजरात टाइटंस के ओनर सीवीसी कैपिटल्स है, जिसने 2021 में 5625 करोड़ रुपए में चीटी को खरीदा था। अब ये बात निकल कर आ रही है कि इस साल गुजरात टाइटंस की टीम को गौतम अदाणी खरीदने जा रहे हैं। गौतम अदाणी 2021 में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी खरीदने से चूक गए थे। अब फिर से अदाणी जीटी की टीम को खरीदने के लिए सीवीसी कैपिटल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। गौतम अदाणी वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स की टीम के ओनर है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो रोहित शर्मा एमआई की टीम को छोड़ने जा रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ साथ खबरें यह भी है कि सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी एमआई छोड़ सकते हैं। जब से हार्दिक पांड्या एमआई के कप्तान बने हैं, तब से यह चर्चा है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में एमआई को छोड़ देंगे। रोहित शर्मा 2025 के आईपीएल में कोलकाता से जुड़ सकते हैं। रोहित शर्मा की केकेआर के कोचेस के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। अब इसकी पूरी संभावना है कि रोहित केकेआर के कैप्टन बनेंगे। देखना यह है कि रोहित कौन सी टीम से जुड़ते हैं। चौथी खबर की बात करें तो केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को छोड़ रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक केएल राहुल 2025 का आईपीएल लखनऊ के लिए नहीं खेलेंगे। पिछले साल से ही यह चर्चा है कि केएल राहुल और एलएसजी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। आईपीएल 2024 के दौरान जब केएल राहुल और एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका के बीच हेटेड आर्ग्यूमेंट का वीडियो वायरल हुआ था, तब से एक्सपेक्टेड था कि केएल राहुल लखनऊ की टीम छोड़ सकते हैं। खबरों की माने तो अगले साल केएल राहुल आरसीबी से खेलते दिख सकते हैं। दिनेश कार्तिक के रिटायरमेंट के बाद आरसीबी को विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत है। आरसीबी नया कैप्टन भी देख रही है। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल केएल राहुल आरसीबी की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। पांचवी खबर के बारे में बताएं तो राहुल द्रविड़ आईपीएल में कोचिंग की भूमिका में वापसी कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया से कार्यकाल खत्म होने के बाद अब वो आईपीएल में अपनी पुरानी टीम राजस्थान रॉयल के साथ जुड़ सकते हैं। राहुल द्रविड़ आरआर के कैप्टन रह चुके हैं और 2014-15 में आरआर के मेंटर भी रह चुके हैं।